हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे कटहल की सब्जी बनाएंगे और थोड़ा सा अलग तरह से इसको बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा बेसन का भी यूज करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। पर उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो कटहल की सब्जी के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने कटहल लिया हुआ है, ये 1 किलो कटहल हमने यहाँ पे लिया हुआ है और इसको 1 विसल्स लगा के, बस कुकर में 1 विसल्स हमने लगाई है इसमें और निकाल के इसको पानी से निकाल के इस तरह से रखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं। प्याज के साथ में ही हमने हरी मिर्च भी चॉप करके रखी हुई है, 2 बड़े टमाटर और टमाटर के साथ में हमने यहाँ पे 5 लहसुन की कली ली थी जिनको पेस्ट बना दिया है टमाटर के साथ में ही। और बेसन हम क्योंकि कटहल की कोटिंग करेंगे तो उसके हिसाब से ही हम बेसन का यूज करेंगे। और साथ ही साथ हरा धनिया, मैं यहाँ पे अदरक का पेस्ट यूज कर रही हूँ, आप अदरक चॉप करके भी यूज कर सकते हैं। हींग, कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा कप दही और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मसाले हैं इसमें, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी और जीरा। तो कटहल बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटहल की कोटिंग कटहल को तब तक कोट करके हम रखते हैं और उसको फ्राई करने के लिए रेडी करते हैं। और साथ ही साथ हमने ऑयल भी रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले एक प्लेट में हम कर लेते हैं बेसन क्योंकि इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। और अब इसमें कुछ मसाले हम डाल देते हैं, 1/4 चम्मच के करीब जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे। अब 1 चुटकी बस हम इसमें हल्दी डालेंगे, बहुत ज्यादा हल्दी हम इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च। सभी मसाले मैं बिल्कुल जरा जरा से इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा हमने लास्ट में धनिया पाउडर डाला है और हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि इसमें बेसन की एक भी बिल्कुल भी गुठली ना रहे। ये बेसन तो हमने रेडी कर लिया है। अब एक बड़े बर्तन में आप आधा आधा करके भी कटहल की कोटिंग कर सकते हैं, पर मैं एक बड़ी प्लेट ले लेती हूँ, मैं एक साथ में ही सारे कटहल की कोटिंग कर दूंगी। और ये मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है तो इसमें ये बॉईल किया हुआ कटहल हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें इस तरह से फैला के हम डालेंगे ताकि अभी मैं इसमें बेसन जब ऊपर से स्प्रेड करूंगी तो पूरे सभी कटहल में अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। इस तरह से मैंने पूरे प्लेट में इसको फैला के डाला हुआ है। और अगर सपोज आपके पास बहुत बड़े बर्तन नहीं है तो आप इसको पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा करके कोट करके फ्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये जो बेसन है हमने मसाला मिला के रखा हुआ है ये हम इस पे डालेंगे। इस तरह से पूरे कटहल पे इसको अच्छे से मिलाएंगे, पहले इतना बेसन डाल के हम कटहल में अच्छे से मिक्स करते हैं। तेज गैस पे ही बस 1 विसल हम इसमें लगाएंगे कटहल में, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा गल जाएगा तो फिर फ्राई करने में दिक्कत होगी इसको। कटहल में अच्छे से हमने कोटिंग कर ली है तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल गरम किया है, बहुत ज्यादा ऑयल हमने नहीं डाला है क्योंकि सेम ऑयल जो बचेगा उसी में फिर हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो इसी ऑयल में ये कटहल हम फ्राई करेंगे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ
अगर आप ज्यादा ऑयल डालना चाहते हैं तो आप एक साथ में ज्यादा कटहल भी फ्राई कर सकते हैं। और इसको 2 मिनट के लिए हम इसमें फ्राई करेंगे और उसके बाद में निकाल देंगे। ये कटहल हमने फ्राई कर लिया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये फ्राई होने के बाद में, तो इसे हम साइड में रखेंगे। और ऑयल भी गर्म हो गया है तो सबसे पहले इसमें ये जीरा हम डालेंगे। और जीरा डालने के बाद में प्याज हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को मतलब लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। प्याज भी फ्राई हो गई है तो सबसे पहले इसमें ये अदरक का पेस्ट हम डालेंगे। अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें ये हींग हम ऐड करेंगे। उसके बाद में इसमें हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच टेबल स्पून और साथ ही साथ ये कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। और ये मसाले डालने के बाद में जो टमाटर की हमने प्यूरी बना के रखी हुई है लहसुन के साथ में, ये हम इसमें डालेंगे। और इसमें बस 1/4 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे। इसी बाउल में करके मैंने डाल दिया ताकि जो भी टमाटर की प्यूरी इसमें लगी थी वो निकल जाए। और धीमी गैस पे मीडियम गैस हम रखेंगे और 2 मिनट के लिए पहले इसको पका लेंगे, क्योंकि ये टमाटर भी कच्चे हैं तो पहले ही अच्छे से पक जाएगी, उसके बाद में हम इसमें दही ऐड करेंगे। और ये 2 मिनट हो गए हैं तो अब इसमें ये 2 बड़े टेबल स्पून या फिर 3 छोटे टेबल स्पून आप बेसन ऐड कर देंगे। आप अलग से भी बेसन डाल सकते हैं या फिर जो आपने कोटिंग करने के लिए बेसन यूज किया था मसाले में आप वो वाला बेसन भी इसमें यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब इसमें कुछ मसाले हम और डालते हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डाली है हमने तो बहुत ध्यान से हम मिर्च डालेंगे ताकि बहुत ज्यादा तीखा भी ना हो जाए। थोड़ी सी ये पिसी लाल मिर्च हमने इसमें ऐड की है और गरम मसाला भी हम इसमें बाद में डालेंगे। और ये मसाले डालने के बाद में अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद में थोड़ा सा 1/4 कप के करीब फिर से हम इसमें पानी डाल देंगे। और आप इसे एकदम बिल्कुल ड्राई भी रख सकते हैं, या जिस तरह से मैं हल्की सी इसमें बिल्कुल ग्रेवी रख रही हूँ आप उस तरह से भी बना सकते हैं, और आप बिल्कुल ड्राई भी इसको बना सकते हैं। और दही डालने के बाद में 1 मिनट पहले हम इसे हल्का सा पकाएंगे, उसके बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और 1 मिनट हो गया है अब इसमें नमक हम ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें डालना है। और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब हम गरम मसाला डालेंगे। और मसाले डालने के बाद में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और अब इसमें ये कटहल हम ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। ये कटहल बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और सबसे लास्ट में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती हम डाल देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया कटहल बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कटहल की ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।